जय हिंद दोस्तों वन ट्वेंटी क्वेश्चन तक हमने कम्प्लीट कर लिया था इन द चैप्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर टुडे वी विल बी डीलिंग विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड लास्ट हमारा बचेगा अवार्ड्स वाला चैप्टर ठीक है सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूज़िक इन in इंडिया तो डांस ड्रामा म्यूज़िक के डेवलपमेंट के लिए जो आ, संस्था काम करती है जो एकेडमी काम करती है वो है संगीत एकेडमी संगीत नाटक एकेडमी इंडिया की नेशनल एकेडमी है ये म्यूज़िक डांस और ड्रामा की और ये फर्स्ट नेशनल एकेडमी है ऑफ आर्ट जो कि सेटअप की, सेट की गई थी इंडिया में संगीत नाटक अकेडमी इनाग्रेट हुई थी जनवरी ट्वेंटी एट को ठीक है इनमें से फ्लूट प्लेयर कौन है देबू चौधरानी मधुप मुदगल रोनू मजूमदार शफत अहमद तो रोनू मजूमदार जो कि जिनका जन्म हुआ था उन्नीस में वाराणसी में वो एक नोटेड इंडियन फ्लूट प्लेयर रहे इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक ट्रेडिशन उनका एक्चुअल नाम जो है वो राजेंद्र नाथ मजूमदार है और जो इन्होंने अपना फेमस नाम जो रखा ड्यूरिंग द फ्लूट आ, या आर्टिस्ट के तौर पे जो उन्होंने अपना नाम रखा वो रखा रोनू मैच द तो फॉलोइंग तस्लीमा नसरीन तस्लीमा नसरीन देखिए हमने कल भी पढ़ा था लज्जा के लिए फ़ेमस है शी इज़ अ राइटर और लज्जा एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी भी थी सलमान रुश्ती सैटेनिक वर्सेस के लिए जाने जाते हैं एम एफ हुसैन एक पेंटर हैं और रुकमणी अरुंदली एक डांसर हैं ठीक है नेक्स्ट उस्ताद अमजद अली खान ये किस लिए फेमस है सरोद प्लेयर हैं ये उस्ताद अमजद अली खान ये एक सरोद प्लेयर हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड बिरजू महाराज कथक प्लेयर हैं ये सही है बिसमिल्ला खान शहनाई के लिए फेमस है ये भी सही है जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं ना कि हारमोनियम और अमजद अली खान सरोद के लिए फेमस है ये सही है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तबला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एंशियंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो सबसे एंशियट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इनमें से जो है वो कौन सा है वो है वीणा वीणा इंडिया का नेशनल इंस्ट्रूमेंट है और ओरिजिन जो वीणा का है वो ट्रेस किया जा सकता है टू तो इंडियाज वैदिक पीरियड हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम सरस्वती जी जो हैं वो वीणा आ, अपने साथ रखते हैं आप उनकी मूर्तियों में और फोटो में आपने देखा होगा कि वीणा कैरी करती हैं वो द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड बिजनम माता सरस्वती म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सितार सितार किसका कॉम्बिनेशन है तो देखिए सितार जो है वो कॉम्बिनेशन है वीणा का और तंबूरा का आ, इसको इन्वेंट किया था अमीर खुसरो ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सितार जो है वो इन्वेंट किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा इसमें इंडियन वीणा और इरानियन तंबूरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोक डांस फॉर्म्स द स्टेट्स इन विच फॉर्म्स एंड स्टेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड ओके कोरको महाराष्ट्र का है झूमर झूमर देखिए राजस्थान का होना चाहिए ओके uh, okay. नहीं नहीं हरियाणा का है सही है ओके ठीक है कोरको महाराष्ट्र का है झूमर हरियाणा का है थाली जो है ये बता रहे हैं कि थाली उत्तराखंड का है हिमाचल का नहीं है मुकना मणिपुर का है ठीक है तो ये फोक डांस है बेसिकली झूमर जो हम एक और जो हम पढ़ते हैं वो राजस्थान का है सो दीज आर द रेसलिंग डांसेस ऑफ महाराष्ट्र एंड हरियाणा मुकना जो है वो एक रेसलिंग फॉर्म है मणिपुर का थाली जो है वो उत्तराखंड का है ना कि हिमाचल का कुचिपुड़ी डांस स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इंडिया बट पॉपुलर हुआ ऑल ओवर साउथ इंडिया कुचिपुड़ी डांस इज़ रिलेटेड टू आंध्रा कुचिपुड़ी डांस अगेन मैच करना है आपको कुचिपुड़ी इज़ आंध्रा भरतनाट्यम इज़ तमिलनाडु कत्थक इज़ उडी उत्तर प्रदेश और उड़ीसी इज़ उड़ीसा ठीक है नेक्स्ट द फोक डांस ऑफ मेघालय मेघालय का फोक डांस क्या है देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं जनरली थोड़ा सा अलग हो मतलब इम्पॉटेंट एज इन इम्पॉर्टेंट तो सभी होते हैं आपको सभी कुछ नंबर दे के जा रहा है बट वो आपको याद करने पड़ते हैं कुछ चीज़ें तो फेमस हैं लाइक like, आप संकीर्तन की बात करें फ़ेमस है ठीक है अंकिया नाट आसाम का फेमस है, है बट ये इतने फेमस नहीं होते हैं जबान पे नहीं होते इनमें अंदाजे लगाने पड़ते हैं तो गलत होने का डर रहता है तो फोक डांस जो है मेघालय का इनमें से वो है लोहो जबकि नाटी जो है नाटी हिमाचल प्रदेश का अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले और बैम्बू डांस और खानतुम जो है वो मिजोरम के है ना कि मेघालय के इंडियन आर्किटेक्चर में सुर्खी इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा तो ये सुर्खी जो है वो कुषाणों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एविडेंस ऑफ यूजिंग सुर्खी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द आर्किटेक्चर्स बिल्ट ड्यूरिंग कुषाण पीरियड इसका एविडेंस मिलता है मथुरा में इन द थर्ड एंड फिफ्थ स्टेज ऑफ एक्सकवेशन द पीरियड ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ़ द थर्ड स्टेज हैज़ बीन डिटरमाइंड बिटवीन टू हंड्रेड

एंड दैट सोशल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉज्ड बाय दिस लैग तो इसकी वजह से क्या होती है सोशल प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न कल्चरल लैग इज अ कॉमन सोसाइटल फिनोमिना ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द मटीरियल कल्चर टू इवॉल्व एंड चेंज रैपिडली कल्चरल लैग इज सीन एज अ क्रिटिकल एथिकल इशू बिकॉज फेलियर टू डेवलप ब्रॉड सोशल कंसेंसिस ऑन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मे लीड टू ब्रेक डाउन इन सोशल सॉलिडरिटी एंड द राइज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कल्चर लैग होता है तो उसकी वजह से सबसे पहले जो सफ़र करती है वो सोसाइटी सफ़र करती है अब उस लैग की वजह से कहीं ना कहीं क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अराइज़ होती हैं बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ कल्चरल लैग ओके विच डांस इज़ परफॉर्म्ड ओनली बाय मेल इनमें से मेल इकलौते मेल सॉरी सिर्फ मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस कौन सा है तो वो है कथकली कथकली जो है वो एक वॉरियर ट्राइब नायर के द्वारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया गया था Uh, ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ मेल डांसर्स के द्वारा द क्रेडिट टू री स्टेब्लिश द डांस स्टाइल गोज टू वल्लथोस नारायण मैनन जो कि फ़ाउंडर है केरला कला मंडलम के इट इज़ अ ड्रामा बेस्ड ऑन डांस फिक्शन कृष्ण कुट्टी माधवन एंड आनंद शिवरमन उदय शंकर राम गोपाल शांताराम एट्सेट्रा ये कुछ स्किल्ड और फेमस डांसर्स हैं मास्क डांस मास्क डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ़ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स तो मास्क डांस एसोसिएटेड है कथकली से ये रिलीजियस फेस्टिवल्स पे होता है जहाँ पे एक्टर्स जो होते हैं वे लैबरेट मास्क पहने होते हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और इंट्रिकेटली पेंटेड फेसेस होते हैं उनके ठीक है नेक्स्ट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर वेंकटम्बी वेंकटमाही श्याम शास्त्री अमीर खुसरो तो देखिए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो हैं इन्होंने राग क्लासिफिकेशन की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था ऑफ इंडियन म्यूज़िक ठीक है आ, इन देखिए आज आ, फिर से एक क्वेश्चन मैं आ, मैंने देखा था केबीसी में जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ऊपर आया था कि इन्होंने 1904 या 5 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था गंधर्व म्यूजिक एकेडमी एक बनाई थी आ, गंधर्व यूनिवर्सिटी के नाम से तो ये क्वेश्चन आया था अभी केबीसी में आज या कल के एपिसोड में ही में भी आया था ठीक है सो so, ये तो हो जाता है इन्होंने राग क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था वेंकट माही वेंकट माही जो हैं इन्होंने ही रोड द म्यूज़िक फॉर द सॉन्ग वंदे मातरम तो वंदे मातरम के लिए म्यूज़िक इन्होंने लिखा था वेंकट माही जी ने और श्यामा शास्त्री श्यामा शास्त्री जो है वो प्रोपोनेंट हैं कर्नाटिक म्यूज़िक के और अमीर खुसरो जो है वो प्रोपोनेंट हैं ख्याल फॉर्म ऑफ फौम हिंदुस्तानी म्यूजिक के ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू गुजरात तो गुजरात से इसमें से कौन सा रिलेटेड है रास डांस जो रास है वो गुजरात का है रास और गरबा ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म्स है गुजरात इंडिया के ट्रेडिशनली रास इज द फोक डांस ऑफ मेल्स वेल गरबा ऑफ फीमेल्स ऑल दो बोथ आर इक्वली पॉपुलर अमंग मेल्स एंड फीमेल्स वैन मेल पार्टिसिपेट इन गरबा डांस इट इज़ कॉल्ड गरबी ओके Uh, जब मेल पार्टिसिपेट मेन पार्टिसिपेट करते हैं गरबा में तो वो गरबी हो जाता है देखिए ये थोड़ा पुलिंग uh, uh, मतलब अगर मेल कर रहे हैं तो वो उसका टर्म जो है वो स्त्रीलिंग बन रहा है गरबी बन रहा है ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर uh, कभी इस तरीके से पूछ लिया जाए गरबी क्या है सो नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच इंडियाज़ फर्स्ट टेक्नीकलर फिल्म झांसी की रानी ये नॉट करेक्टली मैच बताना है तो ये तो सही है इंडियाज़ फर्स्ट थ्री फिल्म माई डियर कुट्टी चटन इंडियाज़ फर्स्ट इंश्योर्ड फिल्म पहली इंश्योर्ड फिल्म जो थी वो ताल थी और इंडिया की पहली एक्ट्रेस जिन्होंने भारत रत्न जीता था वो मीना कुमारी थी नहीं मीना कुमारी ने कभी भी भारत रत्न नहीं जीता um, ठीक है लता मंगेशकर जी ने भारत रत्न जीता ये लिख रहे हैं बट शी वॉज़ नॉट एक्ट्रेस शी सिंह सिंगर 2002 में उन्होंने जीता था द लीड कैरेक्टर इन द फिल्म द बैंडेड क्वीन हैज बीन प्लेड बाय तो लीड कैरेक्टर बैंडेड क्वीन में जो किया गया था वो सीमा विश्वास जी के द्वारा किया गया था इट वॉज डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर एंड स्टार्ट सीमा विश्वास एज द टाइटल कैरेक्टर फूलन देवी हु वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म टी वी सीरियल रामायण तो रामायण टी वी सीरियल के प्रोड्यूसर जो थे वो थे रामानंद सागर जी राइटर एंड प्रोड्यूसर दोनों ही थे वो रामानंद रामायण के द फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द मेकिंग ऑफ महात्मा श्याम बेनेगल जी ने डायरेक्ट की थी हु प्ले द रोल ऑफ गांधी इन द मूवी गांधी सो बेन किंग्स ले बहुत ही फेमस नाम है ये इन्होंने गांधी जी को पोर्ट्री किया था एंड ही वॉज लुकिंग वेरी सिमिलर टू द रियल गांधी सो बेन किंग्स ले गांधी इज़ अटीन एटी टू एपिक बायोग्राफिकल फिल्म विच ड्रामेटाइजेज द लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द यूनाइट किंगडम्स रूल गांधी मूवी लिखी थी जॉन ब्रिले ने और इसको प्रोड्यूस किया था रिचर्ड एटनबर्ग ने ठीक है देखिए और रिचर्ड एटनबर्ग इसके प्रोड्यूसर थे और जॉन ब्रिले ने इसको लिखा था एंड बेन किंग्सले इसमें टाइटल रोल में थे रिचर्ड एटनब्रो इज रिचर्ड एटनब्रो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं um, he is a producer as well as a director the first feature film talky to be produced in india was to pehli talky film jo thi wo thi alamara 1931 में produce direct की गई थी अर्देशिर ईरानी के द्वारा ये पहली Indian sound film थी इट डेब्यूटेड एट द मेजस्टिक सिनेमा इसका डेब्यू हुआ था मेजेस्टिक सिनेमा मुंबई में जो उस समय बॉम्बे हुआ करता था और हम तब आज़ाद देश में नहीं थे नाइनटीन फोटीन मार्च नाइनटीन थर्टी वन आपको याद है नाइनटीन थर्टी वन का मार्च जो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है पाँच मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हमने पढ़ा था उसके बाद तेईस मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है और उसी सल आ, समय मार्च में ही छब्बीस से इकतीस तक जो सेशन हुआ था उस समय कराची सेशन आई गेस हुआ था जिसमें आ, ब्लैक फ्लैग्स भी दिखाए गए थे गांधी जी को तो ये मार्च का जो समय था बहुत इंपॉर्टेंट था और एक और एडिक्शन इसमें हो गया आलम आरा जो कि पहली फीचर फिल्म थी टॉकी फीचर फिल्म थी और इसको प्रोड्यूस इसको डायरेक्ट किया था अर्देशिर ईरानी जी ने होम डिड द फेमस इंडियन एक्ट्रेस देविका रानी मैरी देविका रानी जी ने शादी किससे की थी तो इन्होंने की थी पेंटर स्वेतोस्लाव रोरिच ओके देविका रानी चौधरी यूजुअली इनको देविका रानी बोला जाता था 1908 में इनका जन्म हुआ था 1994 में इनकी मृत्यु हुई और देविका रानी बंगाली फैमिली में पैदा हुई थी इन वॉल्ट नियर विशाखापट्टनम इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश शी गॉट मैरिड टू हिमांशु राय नाइनटीन लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है नाइनटीन में उसके बाद नाइनटीन में उन्होंने एक रशियन पेंटर स्वेत् स्लोव um, स्वेत नहीं क्या पढ़ेंगे इसको स्वेतो स्लैव रोरिच बट मिस्टर रोरिच भी 1993 में उनकी डेथ हो जाती है और 1994 में देविका रानी की भी डेथ हो जाती है बेंगलोर कर्नाटका में हु वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल महाभारत महाभारत के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा जी बलदेव राज चोपड़ा एंड डायरेक्टेड बाय हि सन रवि चोपड़ा ठीक है प्रोड्यूस्ड इन्होंने की थी डायरेक्शन रवि चोपड़ा जी ने किया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था इनको 1998 में विदूषक अ कॉमन कैरेक्टर इन संस्कृत ड्रामा इज इनवेरिएबली तो ये विदूषक जो होते हैं संस्कृत ड्रामा में वो होते हैं बेसिकली ब्राह्मण ठीक है तो संस्कृत ड्रामा विदूष विदूषक इज द डियर वन ऑफ द किंग विदूषक वो होता है जो राजा के बहुत करीब होता है उनको बहुत प्यारा होता है ही बिलोंग्स टू ब्राह्मण कैटेगरी बहुत से ड्रामेटिस्ट जैसे कि कालिदास भाग एटसेट्रा उन्होंने विदूषक का इस्तेमाल किया है अपने ड्रामा में के शंकर पिल्लई कौन थे के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे uh, बॉर्न इन 1902 जीरो टू एंड डाइड इन दिसंबर नाइनटीन इनको शंकर भी बोला गया वॉज एन इंडियन कार्टूनिस्ट इनको पद्म विभूषण दिया गया 1976 में इंडिया हाइएस्ट सिविलियन ऑनर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पद्म विभूषण रघु राय इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज रघु राय रघु राय जाने जाते हैं फोटोग्राफ फोटोग्राफी के लिए तो ये एक फोटोग्राफर भी थे और एक फोटो जर्नलिस्ट भी थे रघु राय लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है एमिनेंट और नोनस भानु भारती माइक पांडे मोहम्मद जहूर खयाम विंदा करंडिकर तो देखिए भानु भारती जो है वो इंडियन थिएटर डायरेक्टर और प्ले थे थे या थी थे आई गेस माइक पांडे इंडियन फिल्म मेकर थे स्पेशलाइजिंग इन फिल्म्स अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट मोहम्मद जहूर खयाम ये खयाम साहब ये म्यूजिक कंपोजर हैं और विंदा करंडिकर इनको विंदा करांडिकर भी बोलते हैं एक ही तो है करांडिकर ये मराठी पोइट राइटर लिटरेरी क्रिटिक और ट्रांसलेटर रहीं ही हैज़ गिवन थर्टी नाइन्थ ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2003 जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का द पेंटिंग्स ऑफ अभिनेद्र नाथ टैगोर हैव क्लासिफाइड एज अभिनेन्द्र नाथ टैगोर जी की जो पेंटिंग्स हैं उनको किस ग्रुप में रखा गया है तो वो हैं रिवाइवलिस्ट ठीक है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग भी बोलते हैं उनकी जो पेंटिंग्स हैं दे आर क्लासिफाइड एज रिवाइवलिस्ट विष्णु चिंचलंकर चिन चिंचलकर सॉरी ये कौन थे विष्णु चिंचालकर ये थे चित्रकार पेंटर ही वॉज एन आर्टिस्ट चित्रकार एम एफ हुसैन एंड डी आर बेंद्रे उनके कॉलेज मेट्स थे ठीक है विष्णु चिंचला चिंच चिंचालकर um, following अमंग फॉलोइंग Society इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ की आर्ट की स्थापना अभिनन्दना टैगोर जी ने की थी इन कोलकाता इन नाइनटीन जीरो सेवन टू रिवाइव द एंशियट आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया ये प्रिंसिपल थे ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया मोनालिसा की किसने पेंट किया था मोनालिसा वॉज पेंटेड बाई लिनाडो डी विंची ठीक है लिनाडो डी विंची इन विच ईयर वॉज राजा रवि वर्मा फेमस पेंटर ऑफ मॉडर्न एज बॉर्न राजा रवि वर्मा का जन्म होता है अठारह सौ अड़तालीस में ये फेमस इंडियन राइटर सॉरी पेंटर और आर्टिस्ट रहे ही वॉज बॉन ऑन ट्वेंटी नाइनथ अप्रैल एटीन फोर्टी एट एट किली पैलेस इन द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रैवल कोर और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट ये जाने जाते हैं मेरा पिया घर आया हैज बीन संग बाय विच पाकिस्तानी सिंगर तो मेरा पिया घर आया गाया था नुसरत फ़तेह अली खान ने ठीक है बाय द रिन पाकिस्तानी सिंगर नुसरत फ़तेह अली खान जामिनी रॉय जामिनी रॉय क्या थी जामिनी रॉय एक पेंटर थी द बुक वेणु शिप्ला बाय चित्रचार्य उपेंद्र महारथी द बुक वेणु शिप्ला बाय चित्राचार्य उपेंद्र महारथी रिलेट्स टू फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आर्ट्स बैम्बू आर्ट ठीक है तो वेणु शिपला बाय चित्रचार्य उपेंद्र महारथी ये रिलेट करती है टू द बैंबू आर्ट सम अदर मेजर वर्क्स इंक्लूड द लिच्छवी डिनेस्टी ऑफ वैशाली द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड द इंद्रगुप्त वॉट इज ब्रिटनी स्पीयर्स फेमस फॉर तो ब्रिटनी स्पीयर्स जो है वो सिंगर हैं एंड एक्ट्रेस भी हैं शी वॉज बॉर्न ऑन डिसम्बर टू नाइन एट मैकॉम मिसिसिपी ओके ब्रिटनी स्पीयर्स हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज बोला जाता है पूरन सिंह जी को सरदार पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज बोला गया पूरन सिंह जी टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज द फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम वॉज प्रिपेयर्ड बाय सत्यम शिवम सुंदरम प्रिपेयर्ड बाय शिवनंदन नोट्याल ठीक है तो शिवनंदन नंदन जी के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम पेंटिंग जो थी वो बनाई गई थी मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू फील्ड एंड पर्सन हिंदी लिटरेचर उर्दू म्यूजिक एंड डांस एंड पेंटिंग तो देखिए रस खान जो है वो तो जाने जाते हैं हिंदी लिटरेचर के लिए उर्दू के लिए ज्ञान चंद्र जैन है म्यूजिक एंड डांस के लिए सविता देवी हैं और पेंटिंग के लिए सतीश चंद्र हैं नेक्स्ट लिस्ट वन लिस्ट टू पर्सन डिस्टिंग्विश्ड है संतोष यादव ओपरा वेन्फ्रे ऑस्कर विल्डे, पी साइनाथ संतोष यादव एक माउंटेनियर हैं ओपरा वेन्फ्रे जो हैं वो फेमस टीवी होस्ट हैं ऑस्कर विल्डे एक ड्रामेटिस्ट और ऑथर हैं और पी साइनाथ एक जर्नलिस्ट है ओके पी साइनाथ जो है वो एक जर्नलिस्ट है द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइंब ऑन एवरेस्ट टॉप इज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइंब ऑन एवरेस्ट टॉप इज तो ये थी बचेंद्री पाल ठीक है बचेंद्री पाल जो है वो एक इंडियन माउंटेनियर हैं जो कि 1984 में फर्स्ट वीमेन बनी टू तो रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है द लिबर्टीज एंड द लोकेशन देख लेते हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी थंजवूर में है लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला में है रजा लाइब्रेरी रामपुर में है और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है ठीक है तो इसमें से मुझे सिर्फ एक ही पता थी खुदा बख्श गिवन बिलो इज़ अ ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ़ ड्रेसेज ऑफ वेमेन अलॉन्ग विद द स्टेट्स बोकू मेखला मुंडू फिरन ठीक है आपको बताना इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है तो देखिए फिरन तो करेक्टली मैश है छत्तीसगढ़ का है मुंडू जो है वो केरला में पहना जाता है uh, कमर के आसपास वेस्ट के आसपास मेखला इज वोन इन आसाम ठीक uh, है और बोकू जो होता है वो सिक्किम में पहना जाता है ठीक है तो मुंडू जो है मुंडू केरला का है ये ट्रेडिशनल गारमेंट है वो अराउंड द वेस्ट इन केरला गारमेंट वोन बाय वुमेन इज डिवाइडेड इनटू टू तो पार्ट्स अपर पार्ट जो होता है वो ब्लाउज की तरह होता है लोअर पार्ट साड़ी की तरह दिखता है नेक्स्ट शांति निकेतन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल तो शांति निकेतन जो है वो बीरभूम में है इट इज़ अ स्मॉल टाउन नियर बोलपुर इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इट वॉज रीनेम्ड विश्व भारती शांति निकेतन का नाम बदल के विश्व भारती किया गया विच टेगोर डिफाइंड एज वे अ होम इन अ नेस्ट इन विच नंदलाल बोस अ फेमस पेंटर हैड बिकम द प्रिंसिपल ऑफ कला भवन शांति निकेतन तो ये प्रिंसिपल कब बने थे कला भवन के ये बने थे answer, आंसर स्टार में दिया हुआ है <coughs> ओके नाइनटीन ट्वेंटी में तो एज़ पर द वेबसाइट ये बने थे 1923 में आयोग ने सी को सही आंसर माना है हो सकता है नियर बाई की वजह से माना हो तो uh, कला भवन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स सिटुएटेड एट विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन नाइनटी बाय रबीनाथ टैगोर एज़ पर द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फेमस पेंटर अनलाल बोस टुक चार्ज ऑफ कला भवन इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है मॉन्यूमेंट एंड लोकेशन गेट वे ऑफ इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया सबको पता है कहाँ पर है मुंबई में है कन्फ्यूजन तो नहीं है ना इंडिया गेट Gate और गेट ऑफ इंडिया में इंडिया गेट दिल्ली में है विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है कोलकाता में है और चार मीनार हैदराबाद में है ठीक नेक्स्ट श्री हरिकोटा सांची स्तूप गुजरी महल ताजल मस्जिद तो देखिए श्री हरिकोटा तो आंध्रा में हो गया सांची स्तूप हो गया रायसेन में गुजरी महल हो गया ग्वालियर में और ताजुल मस्जिद हो गया भोपाल में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्वेल्व हृदय सिटीज चोजन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज तो देखिए 2021 का क्वेश्चन है उस समय इनमें इन से हृदय सिटीज में से कौन सा नहीं था तो आगरा नहीं था बारह सिटीज़ हैं इसके अंदर हृदय स्कीम के अंदर आगरा इज़ नॉट अमंग द सिटीज़ जो हैं उनमें इन इनमें से वो देख लेते हैं गया पुरी और वारंगल ठीक है और अगर आपको इन बारह सिटीज़ का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इम्पोर्टेंट है ये मुझे याद है मैंने पढ़ा था जब उस समय Uh, अगर आप में से किसी को भी पता है इन बारह सिटीज़ का नाम तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कोशिश कीजिएगा बिना देखे आप बताएं तो आपका एक रिविज़न हो जाएगा गलत हो जाए कोई समस्या नहीं है बट uh, कोशिश कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट इज़ वॉर्ड टम घुमकुरिया मीन घुमकुरिया क्या होता है तो घुमकुरिया एक यूथ डॉमिट्री है विद इन वेरियस ट्राइब्स इन इंडिया देर अ सिस्टम ऑफ कम्युनिटी लिविंग तो जिसको हम लिव इन बोलते हैं अभी uh, जिसपे बहुत ज़्यादा uh, यू नो अभी आई थिंक उत्तराखंड में आया था लिव इन के लिए कि अगर नहीं उसको बताएंगे तो दे विल चार्ज फाइन और समथिंग तो इसी तरीके से बट जो जिसको हम लिव इन बोलते हैं वो ट्राइब्स में बहुत पहले से प्रचलित है अभी जिसके लिए हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेड नहीं है बट ट्राइब्स में उसको एक्सेप्टेंस दी गई है और गुम गुमकुरिया जो है उसका मतलब होता है कि यूथ डॉर्मेटरी होती है वो बहुत सारे ट्राइब्स में क्या होता है एक कम्युनिटी लिविंग होती है इसको डॉमेट्रीज़ बोला जाता है एक घुम घुमकुरिया जो है वो उराँव ट्राइब के लिए है बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी ट्राइब्स में इस तरीके की डॉमेट्रीज़ प्रचलन में आती हैं और उसके बाद अपने साथी को वो लोग वहाँ से तय करते हैं और उनके साथ शादी करते हैं ठीक है तो उराँव ट्राइब्स जो है झारखंड की वहाँ पर घमकुरिया डॉमेट्री देखी जाती है ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है अब आर्ट एंड कल्चर अब हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा चैप्टर नंबर फिफ्टी फाइव अवार्ड्स इसमें देखते हैं कितने टोटल क्वेश्चन हैं देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें थर्टी एट क्वेश्चन हैं एक वीडियो में आराम से कंप्लीट हो जाएगा तो एक लास्ट वीडियो हमारा अब इस हिस्ट्री घटना चक्र का बच रहा है एंड इसके साथ ही हम अपनी हिस्ट्री घटना चक्र को कंप्लीट कर पाएंगे ठीक है सो ऑल द बेस्ट टू यू एक लास्ट वीडियो और मैं लेकर आऊँगी हिस्ट्री घटना चक्र का और अभी भी आप के मन में अगर है कि हमें कौन सा आ, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो आप बता सकते हैं अदरवाइज़ इस वीडियो के बाद फिर मैं अपने हिसाब से नया सब्जेक्ट लेकर आऊँगी हिस्ट्री घटना चक्र का ठीक है सो रिवाइज करते रहिए पढ़ते रहिए अब आपके पास पूरी हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट तैयार हो गई है कभी भी जाइए ओपन कीजिए जो पढ़ना है उसमें से वो पढ़िए मैंने इसीलिए चाहे छोटा सा ही चैप्टर क्यों ना हो मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है कोशिश करूंगी कि आगे भी वैसा ही रहे बिकॉज उससे आपके लिए आसानी हो जाती है हाँ मेरे से जो एक गलती हुई वो ये हुई कि बीच में मैं कुछ थम नहीं डाल पाई एंड वो मेरे ही रीजन्स थे कुछ जिनकी वजह से मैंने एक्चुअली मुझे ज़्यादा आता नहीं है थोड़ा बहुत जो आया था मैंने हेल्प ली थी किसी से तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता टेक्निकली तो वो नहीं मैं डाल पाई बट अभी मैंने कल डालना शुरू किया है सो बहुत ही बेसिक सा मैंने डाला है बट सिर्फ इसलिए कि आपको ईजी हो जाए आप देख के पता कर सकें कौन सा चैप्टर है बाकी मैंने उसमें कोई टेक्निकालिटी नहीं की है मुझे उतना ही आता है तो मैंने उतना ही उसमें किया है सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ठीक है और आप आपको उसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा मैं कोशिश जरूर करूँगी सीखने से ही आता है ये सब भी नहीं आता था पहले ये भी सीखा तो सीखने से ही आएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट सो आप लोग पढ़ते रहिए बस एक लास्ट वीडियो हमारा बचा है उसको लेकर मैं आते हूँ और फिर इसी के साथ हमारा हिस्ट्री घटना चक्र जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत